कालचे पापान जर्मांतर विताम जर्मान सर्मान दर्शन को मंदर छड़ा पदे पदे ओम भोर भोर से श्री सर्वे श्री देवता भोर मंज दर्शन तिद्रम के दर्शनाम हम समर्पयाम यम हाथ जोड़ के प्रार्थना के लिए श्री दिन हो आप लोग के सुनिए श्री कामना पुष्टि के लिए जिस मनोकामना से मैं जब कर रहा हूँ वो मनोकामना मेरी पूर्ण है सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते अंधयुग स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः तेषां इन्द्रस्यां मोहस्तो जनार्दनः यत्र जोगेश्वर विष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सिर्विजयोर्भूषिर्धूतिर्नीतिर्मतिर्म वंदे काशी गुहाम गंगे भवानी चिमड़ कर्णिका में तुम्हारी देव है पुरुष पुराण है तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यं परम च धामम द्वया ततम विश्वमनंद रूपम असिद्धिरिशमं स्यात्कर्तनम सिद्ध पात्रे सुरतर्वर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदुक्तौ गुणानां निष्पारं नयाति ते तांबूलम नैनम जुगले कच्चरकला ललाटे काश्मीरम विद्धत गले मौतिकता आतिस्मे काची साटी प्रत्याटक मई नमामि स्तंभोरी किशोरी नैरितम देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातो जग तक लक्लेश्वरी बिंद विघ्नेश्वराय वरदाय सिंह विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातो जग तो अखिलस्य विश्वेश्वरी पाहि नो देवी देवी त्वमीश्वरी चराचरस्य बोलिए श्री खोल करके लगते हैं ना, खोल करके पहना दो, पहना हुआ ना छुपा ले, ठीक है। प्राणस्य मुखाद अग्निर अजायत ओम भूर्वोऽस्तु श्री अग्निदेवता भूर्वमय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि च आवाहनार्थे शतं पुष्पं च नमस्कारम् अहं समर्पयामि। ओम गंगाधिसर्वतीर्थेभ्यं तोयमानि सुमं पादप्रक्षालनार्थाय जलमहं समर्पयामि। ओं भूर्भुवस्सु श्री अग्निदेवताभ्यो नमः पादप्रक्षालनार्थाय जलमहं समर्पयामि। ओं श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंध्याढ्यं सुमनोहरं विलीपनं सुश्रेष्ठं चंद्रम् अहं प्रतिलेतां। ओं भूर्भुवस्सु श्री अग्निदेवताभ्यो नमः माल्यादिसुदर्शनाशीष्वाहनाय।
माल्यादीन सुगंधि मालत्यादीन विप्रो मैं हृतान पुष्पाण पूजार्थम हम प्रतिहता ओम भोर्गोश श्री अग्निदेवता भ्रम धूप धूप साजन चवर संयुक्तम वर्णिना योजितम मैं दीपम गृहाण देवे स्त्रैलोकितमिरापाम ओम भोर्गोश श्री अग्निदेवता भ्रम धूपम च दीपम हम दर्शयामि धूपान्ते आत्मनीयम जलम हम समर्पयामि प्रजापतये नमः स्वाहा ओम इदम् इन्द्राय देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः स्वाहा ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः स्वाहा ओम सची पुरंदराभ्यां नमः स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः स्वाहा ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम भू नमः स्वाहा ओम भुव नमः स्वाहा ओम स्व नमः स्वाहा सभी लोग डालिए ऐसे ओम विश्ववीर ओम विश्ववीर देवता नमः स्वाहा महालक्ष्मी चतुर्मे सर्वशक्ति के धीमहि तन्नो देवी पूजया ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा एकता हो, सनातन के मानने वालों में एकता हो।
शत्रुओं का नाश हो, नाश हो। सनातन के शत्रुओं का नाश हो, नाश हो। बल पार्वती पते हर हर। सभी लोगों को बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी को बैसाखी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदू महासभा का ऐतिहासिक स्थापना दिवस है। आज ही का वो दिन है जब जलियांवाला बाग में हिंदू महासभा के प्रोसेशन पर जनरल डायर ने अनैतिक तरीके से गोलियां चलवा करके शहीद किए थे। तो हम सबको शहीदों को और से हमारे यज्ञ के माध्यम से बहुत बहुत नमन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, हिंदू महासभा की ओर से, यहाँ जितने लोग खड़े हुए देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से, आप सब लोगों का चेहरा दिखाओ। ये है सच्चे योद्धा, ये राजनीतिक लोग नहीं है, ये है असली योद्धा। और ये वो पवित्र स्थली है जहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है, जहाँ पर स्वयं वीर सावरकर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, स्वामी परमानंद जी, नाथूराम गोडसे जी, न जाने ऐसे अनगिनत महापुरुष है जिनके लहू का यहाँ पर पुरुषार्थ है। और आज भारतवर्ष भारतवर्ष है, अन्यथा स्थिति में एक लंबा जो है कॉरिडोर तो स्थापित कर दिया गया था गांधी के माध्यम से और हमें और बांटने के लिए, लेकिन आज आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। अपने लिए तालियां बजाइए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अन्ना श्री मुन्ना कुमार शर्मा जी के तत्वाधान में और नेतृत्व में आप वीरता के साथ अखंड भारत की उस अलख को जगाने हेतु और पुनः अखंड भारत स्थापित करने हेतु यहाँ पर एकत्र हैं। सभी को हिंदू महासभा के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ सभी लोग नारा लगाएंगे क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र जाना जाएगा। जय हिंदू राष्ट्र। सभी का बहुत बहुत आभार। इस सत्र में सभी लोग सम्मिलित होंगे। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा राष्ट्रीय सचिव होने के नाते अखिल भारत हिंदू महासभा के अन्नपूर्णा भारती, सभी सैनिकों का मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ और बहुत बहुत मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपकी ये जो शक्ति है वही के दिन हरिद्वार में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित हुई थी, संतों की, धर्माचार्यों की, स्वतंत्रता सेनानियों की और राजा महाराजाओं की। उसमें राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारत हिंदू महासभा की स्थापना की गई और उसके बाद हिंदू महासभा ने देश को स्वतंत्रता दिलाई और सतत हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। आज हिंदू महासभा के स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए यहाँ पर संकल्प लिया गया, यज्ञ किया गया, आहुति दी गई और हमें विश्वास है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी कार्यकर्ताओं, वीरों और देश में हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करने वाले हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठन मिलकर शीघ्र ही संवैधानिक रूप से अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। अखिल भारत हिंदू राष्ट्र अधिवेशन रखा गया है जिसमें हमें संतों और धर्माचार्यों का आशीर्वाद मिलेगा। हमारे कई हिंदूवादी और राष्ट्रवादी संगठन जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे हिंदू जनजागृति समिति, उसके प्रमुख मुख्य मार्गदर्शक डॉक्टर पिंगले साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं और ऐसे अनेक हिंदूवादी संगठनों प्रतिनिधियों के विचार हम लोगों को मिलेगा और हम लोग सब विचार मंथन करेंगे कि अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना कैसे हो और उसके लिए हमें क्या कार्य योजना बनानी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, निर्णय लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमें विश्वास है
कि संवैधानिक रूप से भी फिर से एक बार भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत हाँ आराम से आराम से आराम से ऐसे हाँ थोड़ी जयकारा बोलो ना। हेलो हेलो जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। स्वातंत्र्य वीर सावरकर की जय। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। एक ही मांग एक ही नारा हिंदू राष्ट्र हमें हमारा। वीर हकीकत राय की बाल धर्म वीर हकीकत राय जी की। भैया पीछे हो गए ना इनके सबका बनाया गया तोड़ गया। भगवान जी देवता स्वरूप भाई परमानंद जी की जय हो। हिंदू धर्म की जय। हिंदू महासभा में जो अधिवेशन रखा गया है इसका हिंदू राष्ट्र की तरफ क्या समझा जाए कि आने वाले दिनों में हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है। सभी को बैसाखी की शुभकामना। आप सभी को जय हिंदू राष्ट्र। आज अखिल भारत हिंदू महासभा का 108वां स्थापना दिवस समारोह है। आज के ही दिन 13 अप्रैल 1915 को अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुई थी और आज इसीलिए इसी महान दिन के अवसर पर आज अखिल भारत हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया गया है। हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से कृत संकल्प हैं इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। जब तक यह देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के हिंदुओं का कल्याण नहीं होगा। यदि पूरे विश्व के हिंदुओं का कल्याण करना है तो अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना आवश्यक है। इसलिए आज हमने हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन किया है। इसमें पूरे देश से नेपाल से जगह जगह से लोग आए हैं। हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि आए हैं, संत महात्मा आए हैं, महामंडलेश्वर आए हैं और सब लोग मिलकर हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि इस देश को संवैधानिक रूप से अखंड हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएं। संविधान में परिवर्तन लाके इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस देश में एक समान नागरिक कानून लागू करना है, मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना है। हिंदुओं की आबादी जिस तरह से पहले 100% थी वो घटकर अब 80% से भी कम हो गया है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। गौ माता की जो हत्या हो रही है उसको कैसे रोका जाए। संतों महात्माओं पर जो हमले हो रहे हैं उसको कैसे बंद किया जाए। मठों मंदिरों की सुरक्षा कैसे की जाए। हिंदू धर्मावलंबी यदि जुलूस निकालते हैं, रामनवमी की यात्रा निकालते हैं, उस पर हमले होते हैं, तो ये सब जो समस्याएं हिंदुओं की उसको कैसे दूर की जाए, इस पर हम लोग आत्ममंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और एक कार्य योजना का हम लोग गठन करेंगे। और हम कृत संकल्प हैं, हम यह संकल्प लेते हैं आज हिंदू महासभा के 108वें स्थापना दिवस के अवसर पर हमें भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का विकास करना है। अभी स्टेज पर से आपके डॉक्टर अन्नपूर्णा जी बोली हैं कि मथुरा वृंदावन और काशी अयोध्या के बाद इसका नंबर है, क्या इस पे आप एग्री हैं? देखिए अयोध्या काशी मथुरा सहित 3000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर हैं जिसको मुस्लिम शासकों ने तोड़ करके वहाँ मस्जिद का निर्माण कर दिया था। ऐसे 3000 से ज़्यादा प्रमुख मंदिर हैं। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि की लड़ाई हिंदू महासभा सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़के जीती और अब मंदिर का निर्माण हो रहा है भगवान राम के जन्म स्थान पर। और अब हम भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा और बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का जो अतिक्रमण है जिस पर मस्जिद बनाई गई है उसके स्थान पर मस्जिद को हटा करके शीघ्र ही हम भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को और बाबा विश्वनाथ की भूमि को दोनों को मुक्त करेंगे और अयोध्या की तरह ही मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा और जो 3000 से ज़्यादा हिंदू मंदिर जिस पर अतिक्रमण किया हुआ है उसको भी हम मुक्त करेंगे और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। इसके लिए कोई लेटर भी गवर्नमेंट को दे रहे हैं आप? इसके लिए हमने बार बार लेटर दिया है, हम इसके लिए बार बार आंदोलन कर रहे हैं और अब हम हिंदुओं में जागृति ला रहे हैं,
हम मुकदमा भी लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और भगवान कृष्ण की भूमि और बाबा विश्वनाथ की भूमि को हम स्वतंत्र करेंगे, मुक्त करेंगे और वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा।